खुदा पहाड़ और निकला शेर, ऐसी वाली बात हो गई। चलिए मैडम, स्टाइल में एटीट्यूड ही चेंज हो गया। सो अमन का बर्थडे था दिसंबर में और मैंने डिसाइड किया था थोड़ा सा सरप्राइज करने हैं, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। दिस इज द व्यू, यहाँ से बढ़िया व्यू है। दिस इज द व्यू एंड दिस इज द स्लीपिंग एरिया और यहाँ पे चेयर और ये रहा मिरर। देन बाथरूम काफ़ी बेसिक है वैसे और ये फुल लेंथ मिरर है फॉर OOTDs। एंड ये रहा बाथ एरिया, काफ़ी छोटा सा है बट दिस इज़ व्हाट इट इज। मेकअप काफ़ी अच्छा है ये। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक। ये था अमन का बर्थडे सरप्राइज, ये रहा बर्थडे बॉय। मजा आ गया, यस। मुझे बहुत ही अच्छा व्यू है एज फार एज आई नो। या और मुझे ये सिटिंग एरिया काफी पसंद आया है। ओके, तो हम आ चुके हैं एंड दिस इज हाउ द पैलेस लुक्स लाइक। काफी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे, है ना। हमें इंटीरियर काफी ब्यूटीफुल है जस्ट लाइक यू। बट यहाँ पे आना काफ़ी सारा हेक्टिक था क्योंकि कोई कैब अंदर नहीं आती, सो यू नीड टू टेक अ रिक्शा। बट मैंने कॉल किया था होटल को, दे डिनाइड टू कम एंड पिक अस अप क्योंकि अंदर तो कैब जाती नहीं। आपने देखा होगा रास्ता काफ़ी छोटा है। सो दिस इज़ वन थिंग आई रियली डिडंट लाइक अबाउट दिस पैलेस। नॉनदलेस व्यू बहुत ही अच्छा है और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, है ना। व्हाट डू यू थिंक, डिड यू लाइक अ सरप्राइज? आई थिंक होटल इज़ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ नाइस जस्ट बिकॉज़ ऑफ सर्विस आई थिंक। या या, बट व्यू काफ़ी प्यारा है यहाँ से, तुम्हें लेक का एक छोटा सा पार्ट दिख जाता है। यहाँ पे भी गए थे जगत निवास, वो उससे छोटा था, कुछ अच्छा नहीं था। मुझे पहले जगत निवास करना था बट इट वॉज सोल्ड आउट सो आई कुडंट बुक इट। इट सोल्ड आउट अंटिल क्रिसमस, बट ये काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आगे। अब तक ओके ओके एक्सपीरियंस है बट इंटीरियर और पैलेस काफ़ी ब्यूटीफुल है। करेक्ट करेक्ट। सो आज है डे टू और अभी हम लेट हो चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, सो वी आर गोइंग फॉर लंच एंड लेट्स गो। सबसे पहले लेट मी शो यू माय OOTDs। नथिंग, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था फेस्टिव टाइप इंडियन टाइप, सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। लेट्स गो। जा रहे हैं हम रेस्टोरेंट, बट इसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का एरिया जो भी काफ़ी फोटो चाहिएगा। सो यू कैन सी हियर अमन कम, दिस इज़ द लॉबी, रूम के बाहर ही ऐसी लॉबी है। यहाँ पे सारे रानियों के फोटोज़ हैं। ये गायत्री देवी वेरी फेमस, यू कैन फाइंड हर एवरीवेयर इन राजस्थान। देन देर आर सो मेनी अदर्स, दिस इज़ लाइक अ वॉल ऑफ फेम। या सो एवरीथिंग एज टू द ब्यूटी हियर, वी लव दैट। हर एक स्पॉट फोटो लेने के। लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट अमन। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट उदयकोटी, उदयकोटी का रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ से आपको व्यू भी दिखेगा पानी वाला इस साइड पे और यहाँ पे काफ़ी सारी फोटो। दिस इज हाउ दिस एरिया लुक्स लाइक। और यहाँ पे बर्थडे बॉय और पानी। वो शाम में जाएंगे। When you go up na, you can see down. Yeah, yeah. Isn't it gorgeous? Wow. यहाँ इसका मेन्यू काफ़ी लिमिटेड है, एक ही है, बाकी कुछ नहीं है। फेस्टेड हो चुके हैं, क्या ऑर्डर करें, बिकॉज इसमें से भी थोड़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। वी आर थिंकिंग टू गो आउट। हम उदयकोटी के रेस्टोरेंट से गए थे बट वहाँ पे कुछ खास मेन्यू नहीं लग रहा था, सिर्फ था कि बाहर ट्राई करते हैं। यहाँ आसपास 100 मीटर्स के अंदर ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं लाइक अनलिमिटेड। सो हम आए, कौन सा होटल है ये? हरी
हरी घरी जो कि जस्ट अपोजिट है उदय कोठी के, तो हमने सोचा वहाँ ट्राई करते हैं। और उससे फ़ायदा ये भी हुआ कि हमें बहुत प्यारा व्यू मिला, आप देख सकते हो लेक व्यू के साथ है वो रेस्टोरेंट। ये बैठ के अभी मेन्यू डिसाइड कर रही है, इनको भिंडी मसाला खाना है, शी इज़ फाइंडिंग होप हमें यहाँ भिंडी मसाला मिल जाए। भिंडी मसाला है यहाँ। अभी आपको लेक व्यू दिखाता हूँ, वो ब्रिज है जहाँ से हम आए हैं और ये रहा वो लेक व्यू। कल हम लेक के अपोजिट थे, गंगोर घाट है और वहाँ पे मंदिर भी है। ऑर्डर ये है मेवाड़ी खिचड़ी, मेवाड़ी खिचड़ी जो कि स्पाइसी है, देन भिंडी बिकॉज आई वाज मिसिंग भिंडी, इट्स लुक्स यम एंड गुड, लेट्स गेट इनटू इट। तो कैसा रहा मन तेरा पास्ता? सुपर्ब है। उसमें ब्रोकली भी, बस इसमें स्टफिंग थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए आई थिंक, जैसे कि ब्रोकली और चीज़ चाहिए और, तो उसको बोलना था ज़्यादा चीज़ ही बनाओ करके। जगह है थोड़ी चिल करने के लिए, और ये रहा अमन। वाओ स्पीचलेस। वापस हम उसी रेस्टोरेंट आए हैं, नाइट व्यू। ये है बर्थडे बॉय का छोटा गिफ्ट एंड दिस इज द बर्थडे बॉय। अमन हैप्पी बर्थडे फॉर यू, फेवरेट चॉकलेट मुझे मिलेगा इसमें से। और मिस्सी रोटी भी देना, ठीक है? मेवाड़ी खिचड़ी, हाँ ये कुछ अलग ही इधर की, इधर की और अलग है थोड़ी। इसने अपने को प्लेट्स नहीं दिए थे, बर्थडे विशेस आ रहे हैं, बर्थडे विशेस फूड जी। ओके ठीक है, खाते हैं खाना, आप लोग बाद में खाएंगे। तो अमन कैसा है? नो व्हाट्स लाइक, इट्स वेरी, आई एम स्पीचलेस, वेरी वेरी नाइस। सो दिस इज अ बर्थडे ईव, हमने सुबह व्लॉग नहीं करा एंड दिस इज अ लास्ट डे, वी स्टेड हियर फॉर 3 डेज एंड इट वाज अमेजिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी इट, बट आगे एक छोटा सा रिव्यू है आपके लिए। सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। जिस रेस्टोरेंट पर चिकन खाया, तेजू ने गिफ्ट दिया, बहुत ही मज़ा था। आज का दिन बहुत ज़बरदस्त था। और नॉनवेज तो मतलब मलाई मार नॉनवेज था, एकदम उंगलियां चाटते रह जाए इंसान ऐसा। जैसे कि अपना क्या बोलते हैं, खिचड़ी भी जो नॉर्मल वेज खाना होता है, मेवाड़ी खिचड़ी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पर दाल खिचड़ी होती है उसको यहाँ पर मेवाड़ी खिचड़ी बोलते हैं। बहुत ही मस्त थी वो, एकदम यम थी। और चिकन का जो स्टार्टर था वो मतलब बहुत बढ़िया था, ऐसा लग रहा होगा कि मैं फेक तारीफ़ कर रहा हूँ बट लेकिन सही में बहुत बढ़िया था। आप आएँ तो ज़रूर ट्राई करें, उदय कोठी के जस्ट अपोजिट हरी घर करके रेस्टोरेंट है, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और आप ज़रूर कमेंट में आके थैंक यू लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हम गूगल में जब सर्च करते हैं रेस्टोरेंट्स नियर मी, बहुत सारे आ जाते हैं बहुत, और सबका रेटिंग अच्छा ही दिखाता है और सारे रूफटॉप है, रूफटॉप ज़्यादा कि आप बोर भी हो जाओगे। वहाँ का व्यू भी ज़बरदस्त है और खाना भी ज़बरदस्त है, तो दोनों आपको मिल जाएगा और ज़्यादा रश भी नहीं होता है, ठीक ठाक मज़ा ही मज़ा। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, बट वराइटीज़ है, पर 5 स्टार के हिसाब से थोड़ा कम है, बट इट्स ओके, नाइस आई लाइक इट, इडली इज रियली यम्मी, सांभर भी यम्मी, छोटे छोटे राइस भी यम्मी। इडली यम, छोले भटूरे यम, ब्रेड पकौड़ा ऑयली, इडली फ्राई नाइस। और क्या है यार, जूस, कैन जूस है, आई जूस तो कैन जूस ठीक है,
ठीक है, वेरी नाइस, बट देयर इज जस्ट सम राइस आल्सो, वो लेके आते ना, या वी गेट दैट।